वेलकम गाइज, फोरम एमकेएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए फोरम एमकेएस चैनल को और पाइए कि किसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेएनएम के फॉर्म को किस प्रकार से भरना है ताकि वो रिजेक्ट ना हो, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, ताकि वो रिजेक्ट ना हो और किसी प्रकार अमान्य ना हो, ठीक है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में राजस्थान स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं और आपको पता है कि वहाँ प्रेजेंट टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और जिसकी लास्ट डेट 25 सितंबर 2020 है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए 25 सितंबर 2020 से पहले पहले, ठीक है। और आपका कोई अदर स्टेट है जैसे कि मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, कोई भी स्टेट हो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं राजस्थान स्टेट के बारे में कि राजस्थान में जीएनएम का एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार की आपको सावधानी बरतनी है और ये भी जानेंगे कि कितनी परसेंटेज तक आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए 25 सितंबर 2020 लास्ट डेट है और इसके लिए सेक्शन योग्यता आप देख सकते हो, 12th पास इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और मिनिमम एज क्राइटेरिया 17 से 28 होना चाहिए और सबके लिए छूट दी गई है, जैसे कि रिजर्वेशन में जो महिलाएं आते हैं, SC ST में, उनके लिए भी छूट दी गई है। सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि फॉर्म किस प्रकार से बनना है ताकि रिजेक्ट ना हो, ठीक है। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीटों की संख्या, ये सब आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से ये सारी जानकारी आप ले लेना, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि फॉर्म किस प्रकार से आपको बनना है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है उनकी फीस सिर्फ 180 रुपये होती है पर ईयर की, जबकि प्राइवेट की 50,000 रुपये होती है। सो गाइज, जितना हो सके गवर्नमेंट में नंबर लाने का प्रयत्न करें, ठीक है। और यहाँ पर आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं और इस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है तो आइए। सो गाइज, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आपको राजस्थान जेएनएम का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। आप स्वयं भी कर सकते हो या आप किसी साइबर ई मित्र के थ्रू भी आप करवा सकते हो इस काम को, ठीक है। बट सही करवाना जहाँ पर भी आप करवाएं, क्योंकि अगर कोई भी त्रुटि रह गई, कोई भी कमी रह गई तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने के चांसेज है, ठीक है। तो ये गलती आप ना करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप स्वयं बनना चाहते हो या फिर किसी ई मित्र से बनाना चाहते हो, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ई मित्र वाले या फिर साइबर वाले, उनका क्या है, स्पीड तेज होता है तो जल्दबाजी में कोई भी गलती कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं, तो वो ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और फॉर्म सबमिट होने से पहले आपको 2 से 3 बार चेक कर लेना है। सो अगर आप स्वयं बनना चाहते हो तो ये पर स्टेप दे गए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर चले जाना है स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप सेकंड की बात करें तो ऑनलाइन शुल्क आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, आप किसी के थ्रू कर सकते हो, आपके डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास यूज़र आईडी होकर पासवर्ड है आपके बैंक का, नेट बैंकिंग का, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है आपके राजस्थान जीएनएम एप्लीकेशन फॉर्म बनने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और डॉक्यूमेंट्स आपको देखो, यहाँ पर जो डिमांड रखी गई ना, उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपका जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होता है, ये साइज का यहाँ पर दिया हुआ है, रिसेंटली फ़ोटो होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। तो रिसेंटली फ़ोटो आप खिंचवा सकते हो और अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अगली बात, अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर, इसमें आपके हस्ताक्षर की रिक्वायरमेंट होगी जिसका साइज आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगली बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, चलते आगे को। इसके बाद आता है जन्मतिथि हेतु 10वीं की अंक तालिका का प्रमाण पत्र, यानी कि आपको 10th की मार्कशीट भी यहाँ पर लगानी है, ठीक है, चलते आगे को। इसके बाद 12वीं की अंक तालिका द्वारा प्रमाणित प्रति आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड किया अनिवार्य रहे। इसके बाद 12th की मार्कशीट भी आपको अटैच करनी है, यानी कि इसमें अपलोड करनी है, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। यदि निःशक्त है तो संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड करें। अगर आप फिजिकल हैंड कैप्ट है, किसी प्रकार की कमियाँ है, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और रिसेंटली फोटो, ठीक है, चलते आगे। और ऑनलाइन आवेदन भरने के स्टेप यहाँ पर दिए गए, सबसे पहले जैसे कि मैंने वेबसाइट बताई थी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन हेतु एड्रेस बार पर आपको टाइप करना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसमें आपको ढूंढना है राज जेएनएम वेब पोर्टल पर दिखाई देगा, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधे आप इस पेज पर ओपन हो जाओगे, ये जो दिख रहा है ना आपको इस पर, ठीक है।
अब आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो, एक तो आप स्वयं कर सकते हो या फिर ई मित्र से करवा सकते हो साइबर से, ठीक है। यदि आप ई मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन करते हो तो आपको विजिट करिए, उनकी प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। यदि आप स्वयं से आवेदन करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन पेमेंट पहले करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट आप किसी के थ्रू कर सकते हो, राज JNMVA पोर्टल में होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन भी दिखा देता हूँ इसका। देखो सबसे पहले तो आपको SSID ओपन करनी है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद आपको राशन SSID अगर नहीं है तो आपको बना लेना है। अगर आपके पास SSID है तो आपको क्या करना है, यूजर नेम पासवर्ड और ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं ना कैप्चर, इनको डाल के लॉगिन हो जाना है, ठीक है। अगर नहीं है तो बनवा लेना है, रजिस्टर इसका यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये SSID के थ्रू आपको लॉगिन हो जाना है, ठीक है। चलते आगे को राजस्थान SOC गवर्नमेंट राशन वेब पर लॉगिन के पश्चात आपको G2C पर क्लिक करें, जैसे कि आपको आपको क्या है इमेज से अच्छा समझ में आएगा। इस पर बने आइकन में से राज JNM आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। इस प्रकार का ओपन हो जाएगा तो आपको इस आइकन पर क्लिक करना है, राज JNM पर, ठीक है। चलते आगे को इसके बाद आपको अगला स्टेप है, राज JNM की जो वे पोर्टल है रीडायरेक्टर होगी और आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का, तो इसमें से आपका ये जो नंबर है ना चौथा ये वाला सिलेक्ट करना है, फॉर ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, ठीक है। देख सकते हो आप, अच्छे से दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है। ये इस प्रकार का दिख रहा होगा ना, उस पर क्लिक कर लेना है ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पर। चलते आगे की ओर, इसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट पर क्लिक करना है। इस प्रकार का पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करें नेट बैंकिंग, ठीक है। चलते आगे को, इसके बाद पेमेंट गेट वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होगी और अपनी बैंकिंग डिटेल भरने के पश्चात ट्रांजेक्शन करें, आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के अपना बैंक का पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद आपको राज JNM की वेबसाइट पर, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्लिक करें। अब आपके सामने फॉर्म भरने का कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, ये आप देख रहे हो ना ये वाला, तो इसमें आपको 5th नंबर पर जाना है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्लिक करें, ठीक है। पेमेंट होने के बाद ये ओपन होगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज कौन सा ओपन होगा, ये वाला, ठीक है। ट्रांजैक्शन वैलिडेशन फॉर्म पर रिडायरेक्ट होगा और अपना नेट बैंकिंग ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पश्चात नेक्स्ट पेज, यानी कि इस पेज में आपको क्या भरना है, आपकी ट्रांजेक्शन नंबर आपको भरना है, आपको मिल जाएगा मैसेज थ्रू, और आपका आवेदन का मोबाइल नंबर जो चालू है, ठीक है, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है, और इसके बाद आपकी एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है। कहाँ से भरनी है, जो आपके 10th की मार्कशीट में दी हुई है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, फिर आपको ये सब भर दोगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो इसके बाद आपका जो मेन ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, उसके पश्चात अपलोड डॉक्यूमेंट्स पेज पर आपको ये करना है, कुछ इस प्रकार का ओपन होगा। ये देखिए, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जैसे आप नेक्स्ट करोगे। तो इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए, इसमें आपको आपका अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, ठीक है, पति का नाम, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ, अभ्यर्थी का जेंडर कौन सा है वो यहाँ पर फिलअप करना है, आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हो, राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को आरक्षण दिया होगा, ठीक है। तो आपको अभ्यर्थी का जाति वर्ग यहाँ पर फिलअप करना है, सीनियर सेकेंडरी अथवा अभ्यर्थी का फैकल्टी यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 12th की डिटेल भरनी है, ठीक है। यहाँ पर चलते आगे को, कितना परसेंटेज तक, कितने नंबर अंक तक, कितने पूर्णांक तक, कितने नंबर आपने प्राप्त किए, ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर देनी, बहुत ही ईजी है। चलते आगे को, और यहाँ पर वर्तमान पता, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, नॉर्मल है आपका, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी जिला है, कोड है, वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद अस्थायी पता, जो आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है, जहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम पर रहते हो, वो यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। बेसिक डिटेल आपसे मांगी गई है, जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो अगला पेज ये ओपन होगा, ठीक है। इस पेज में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है, अपना रिसेंटली फोटो, और यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट, और यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट, ठीक है।
ये देखिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ये एरो दिख रही है ना आपको, यहाँ पर तो 42 और ये जहाँ पर एरो जा रहा है यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट, ठीक है, और ये एरो जा रहा है ना यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट, यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट और यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट, ठीक है, ये जेरो यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, नेक्स्ट जैसे करोगे तो आपको जो हमारा अनक्रोनोलेजमेंट पेज पर अपनी सूचना देख ले, यदि कोई त्रुटि है तो यहाँ पर क्लिक टू मॉडिफाई पर्सनल डिटेल बटन पर क्लिक कर सुधार कर ले, कोई भी अगर कमी रह गई है जैसा कि मैंने बोला था कि 2 से 3 बार इसको अवश्य चेक कर ले, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, अगर ये सबमिट हो गया तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, करेक्शन में बहुत दिक्कत आती है, कोई दस्तावेज गलत हो गया हो तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्नॉलेजमेंट पेज पर क्लिक कर उसको सही कर सकते हो, ठीक है, दोबारा अपलोड कर सकते हो। यदि सारे और क्लियर होना चाहिए आपके जो स्कैन किया हुआ है, आपने जो स्कैन किया ना डॉक्यूमेंट्स, वो क्लियर दिखना चाहिए, आपके नंबर कितने हैं, ठीक है, लिकआउट सही ईजिली दिखनी चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गंदे कुछ भी मतलब धुंधले टाइप के फोटो अपलोड कर देते हैं जो कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें, तो ऐसे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं अब सर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले कंडीशन रख दिया अगर कुछ भी दिखा नहीं चला। इसलिए कहता हूँ कि अच्छा सा स्कैन होना चाहिए फ़ोटो आपकी, 10वीं की मार्कशीट का, 12वीं की मार्कशीट में अच्छे से अंक दिखना चाहिए, अच्छे से आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखना चाहिए, नाम आपका अच्छा दिखना चाहिए, आपका फ़ोटो अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने ये सब अच्छे से कर दिया, आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका अस्थायी परमानेंट एड्रेस, ठीक है, आपके 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, ये सब अच्छे से फिल कर दिए तो देख लेना, आपके डेट ऑफ बर्थ भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्म सबमिट होने जा रहा है। अब ये सब देखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है सबमिट करके आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। गलत सूचना भरने तथा गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन का फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है, ठीक है, और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलत अपलोड कर देते तो कुछ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ठीक है, और अच्छे से स्कैन करने हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं, ई मित्र से आप भरवा सकते हो, साइबर से भरवा सकते हो, 30-50 रुपये में आपका काम हो जाएगा, ठीक है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसकी मेरिट लिस्ट भी पता चल जाए, और कितने नंबरों तक आपका सिलेक्शन होगा उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगा कि आपके कितना परसेंटेज होना चाहिए 12th में, तब जाके आपका राजस्थान GNA में सिलेक्शन हो जाएगा, किस प्रकार से काउंसलिंग होती है उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको तो कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है, और 25 सितंबर से पहले पहले इसको भर दो, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ठीक है। सो गाइज, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप और अधिक जानकारी गेन कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।